जमशेदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। विद्युत वरण महतो के नामांकन में केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, जनशक्ति आपको बता दें जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत एनडीए के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। नामांकन के बाद विद्युत वरण महतो ने विक्ट्री साइन दिखाया और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। कशिश न्यूज से विशेष बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एनडीए गठबंधन कहीं नहीं दिख रहा है, झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट एनडीए जीतेगा, साथ ही 400 पार के दावे भी सही साबित होंगे। और रफ्तार थोड़ा मेरा बढ़ा लेने जब पिंटू भी अब 400 पार में होगा और इसमें जमशेदपुर भी भारी मार्केट है। का नारा जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा। झारखंड में पिछली बार बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए थे, उससे भी बेहतर परिणाम जो है इस बार आएगा। जहाँ तक जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का विषय, निश्चित रूप से विद्युत वरण महतो जी पिछले बार से ज़्यादा बड़े अंतर से विजयी होंगे और ये उतना ही अटल सत्य है जितना ये रुचि। विद्युत वरण महतो जब निकले नामांकन के बाद विक्ट्री साइन दिखाया विद्युत वरण महतो ने और बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। चलिए रुचि, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ने की। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।